नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, बाथरूम की साइज है 8 फीट × 6.5 फीट का ये बाथरूम है। तो सबसे पहले जब मैं चालू करता हूँ, फ्लोरिंग से चालू करता हूँ। फ्लोरिंग का आप एक कलर देख सकते हैं टाइल्स की, और साइज है इसकी 1x1 फीट की टाइल साइज है, और ये मैट फिनिश है। अगर इस पर पानी भी आप डालते हैं, नहाते हैं, तो भी ये स्लिप नहीं होगा। बस इसीलिए आपको मैं तो राय यही दूंगा कि आप जब भी बाथरूम का काम करवाएं तो ये मैट फिनिश टाइल लगाएं, या क्लेम्ड ग्रेनाइट लगाएं, या लेदर ग्रेनाइट लगाएं, लेकिन कुछ ऐसा लगाएं कि आप स्लिप ना हो सके। अब वाल से चालू करते हैं। दो डार्क टाइल यहाँ दे रखी है, और टाइल्स की साइज है 1x1.5 की। ये दो टाइल हो गई, और ये हाईलाइटर हो गया। दो टाइल के बाद दो हाईलाइटर, और तीन टाइल ये प्लेन की हो गई। तो आप इसमें तीन कलर देख लेंगे, आप एक कलर ये, एक कलर ये, एक कलर ये, और फ्लोरिंग का कलर इससे काफी हद तक मिलता है। ये ग्लोजी टाइप टाइल है, और ये मैट फिनिश टाइल्स है, और ये ग्लास की सेल पे लग रखी है इसके अंदर, और ये यहाँ पे गीजर का कनेक्शन दे रखा है। अभी गीजर लगाना बाकी है। अब चीज पकड़ते हैं अपन, ये शावर वाली वाल। शावर वाली वाल में देखिए, ये चीज में अगर अपना कहीं पे भी जॉइंट आता है तो ये चीज हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। ये यहाँ सेंटर आउट है। अगर आप बाथरूम कभी भी फिटिंग करवाते हैं तो ये चीज का ध्यान रखें। टाइल्स की साइज आपको साइज सब मिल जाती है, और उसके बाद ये पूरा मार्किंग करके आप यहाँ तक आए। टाइल्स का पहले मार्किंग करवा लें। मार्किंग करने के बाद जैसे ये 1.5x1 ही टाइल है, तो 1, 2, 3 जहां पे आपकी टीम टाइल आई, 3 फीट तीन टाइल आ गई, ये 3 का मतलब 4.5 फीट हो गया। 4.5 फीट के बाद में ये सेंटर जहां पर गया था, ये चीज अगर आप सेंटर में लगाते हैं तो इसकी डिजाइन में और भी बड़ा, बहुत ही बड़ा दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे ये देख लीजिए, ये चीज अभी ये खाली 1 इंच का डिफरेंट पड़ा, बस 1 इंच चीज ये आउट हुई है। ये गलती आपके यहाँ नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि आप देखिए कमोड के साइड की वाल का क्या लुक रहेगा ये। और फिर चलते हैं अपन ये वॉश बेसिन की साइड में। वॉश बेसिन इस तरीके से लगाया हुआ है। अब इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कहीं पे भी वॉश मशीन आता है तो सबसे पहले ये आपको हाइट लेनी है। अगर ये 8 इंच का है और आपको ये काउंटर टॉप जो लगाना है तो मेजरमेंट के हिसाब से लगता है। कुल मिला के जो हम दूसरी साइडों पर जो इसकी हाइट लेते हैं वो 32 इंच, ये हाइट मिला के 32 इंच, 32, 33, इससे ऊपर ना जाए। अगर आप डायरेक्टली इसको नीचे लगाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप 32 इंच फ्लोरिंग लेवल से 32 इंच यहां तक लगा सकते हैं। और भी जैसे कि आप ऊपर का ये काउंटर टॉप में बेसिन आ गया है, तो अब क्या होगा सबसे बड़ी चीज, तो आप 32 इंच में से ये अगर 8 इंच का है तो माइनस कर दें। जो प्लेटफॉर्म आपका लगेगा वो 26 पे लगेगा ये काउंटर टॉप। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करते रहें। और भी आपके बहुत सारे ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।